करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम? सिंपलर एंड चीपर, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर, हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी, ऑल ऑफ द एवब. तो इन दिस केस ऑल ऑफ द एवब इज ट्रू फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन. ठीक, मीन्स की डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम? मोर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, यस मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड. सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यस. जब हम कोहेरेंट डिटेक्शन करते हैं तो हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड, हम सेम कैरियर यूज करते हैं. एंड फिर हाई पावर कंजप्शन, यस हाई पावर कंजप्शन भी होता है. मीन्स की ऑल थ्री, मीन्स की ऑल अबव. ठीक है, वॉट इज द राइट ऑप्शन? डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलाइजर इज यूज टू इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द रिसीवर? नो. इक्वलाइज द डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस बाई चैनल, यस दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. ठीक, थर्ड सी वाला था, डिक्रीज द एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिग्नल डिटेक्शन. तो उसके लिए तो हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग. तो बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एम आई इज अनदर नेम ऑफ विच प्रोसेस? तो ए एम आई का मीन्स होता है ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. वॉट इज द नेम ऑफ ए एम आई? ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन. ठीक है, और इसमें होता क्या है, वन को हम प्लस वी और माइनस वी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्टरनेटिवली, और जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीरो. ठीक, मेरे कहने का मीन्स है अगर हमने लिया वन वन जीरो वन, तो इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज फर्स्ट वन पॉजिटिव था, सेकंड वन नेगेटिव होगा, जीरो के लिए डीसी लेबल, नेक्स्ट वन क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज दिस वन वॉज नेगेटिव. ठीक, मीन्स कि ये क्या हो गया, वन की दो पोलरिटी हो गई, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो दिस इज कॉल्ड बाईपोलर. ठीक है, बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वाइजेशन कैन बी डैश टाइप. एक्वाइजेशन का मीन्स कि हमें रिकवर करना ओरिजिनल सिग्नल को, तो एक्वाइजेशन में हम कोहरेंट एंड नॉन कोहरेंट दोनों यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन, तो सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई पैटर्न इज यूटिलाइज फॉर द स्टडी ऑफ, दिस इज यूज फॉर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल होता है हम उसको सीआरओ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वहां पर जो एक पैटर्न फॉर्म होता है वो आई के शेप का होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आई पैटर्न. इन आई पैटर्न एज आई क्लोजेस, बेसिकली क्या है, ऐसे आपकी आई का शेप होता है. यहाँ पर आपका बेस्ट टाइम होता है जहाँ इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मिनिमम होता है. आई क्लोज कहाँ हो रही है? दिस एरिया में. तो यहाँ क्या लिखा है, इन आई पैटर्न आई क्लोजेस, आई अगर क्लोज हो रही है तो आई एस आई क्या होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियस है, जब मैंने यहाँ कहा कि दिस पोर्शन में सबसे कम एरर है या यहाँ पर हमारा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कम है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जहाँ पर हमारी आई क्लोज हो रही होगी वहाँ पर आई एस आई इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन कोडिंग इज क्लासिफाइड इन टू, यूनिपोलर बाईपोलर, यूनिपोलर पोलर, यूनिपोलर बाईपोलर पोलर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिपोलर बाईपोलर एंड पोलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिपोलर लाइन कोडिंग वन एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई. यूनिपोलर का मीन्स होता है कि वन डायरेक्शन होगी, वन जो होगा वन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई वोल्टेज और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं बाई डीसी लेवल, मीन्स की जीरो वोल्टेज. तो नाउ इन दिस जीरो इज जीरो, तो मीन्स की फर्स्ट तो गलत हो ही जाएगा, फिर जीरो से जीरो इन दोनों ऑप्शन में है और वन के लिए पी टी, तो यू कैन सी बी ऑप्शन में वन इज पी टी एंड माइनस पी टी है, तो बी इज द करेक्ट फॉर दिस. माइनस पी टी नहीं, पोलरिटी नहीं चेंज होती, यूनिपोलर में एक ही डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव की होती है. बी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ वाई स्क्रैम्बलिंग इज रिक्वायर्ड? वाई स्क्रैम्बलिंग इज रिक्वायर्ड? सो दैट कि हमारा डेटा कोई चुराए ना. ठीक है, तो हमारे दिस इज फॉर डेटा सिक्योरिटी. समटाइम्स क्या होता है कि उसमें हमारा जो स्ट्रिंग्स होती है बिट्स की, वो 1100 होती है, तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है. दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रैम्बलिंग यूज करते हैं. तो ये हो जाएगा फॉर डेटा सिक्योरिटी, दिस इज फॉर डेटा सिक्योरिटी. स्कीम इन दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव पल्स एंड हाफ ऑफ सिंबल ड्यूरेशन, अ निगेटिव पल्स फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ सिंबल एंड फॉर जीरो द ऑर्डर इज इन्वर्टेड आइडेंटिफाइड एज. इसमें क्या लिखा है, जो ऑर्डर हमारा वन का था जस्ट अपोजिट उसका होगा. मीन्स कि अगर हमने वन को रिप्रेजेंट किया तो हम वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए निगेटिव. जीरो को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट इन्वर्टेड ऑफ दिस. मीन्स कि हाफ साइकिल के लिए निगेटिव देन हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, तो दिस इज मैनचेस्टर कोड. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या है, अ लाइन कोड विच हैज़ जीरो डीसी एलिमेंट फॉर पल्स ट्रांसमिशन, जीरो डीसी एलिमेंट फॉर पल्स ट्रांसमिशन ऑफ
रेंडम बाइनरी डेटा, मींस कि अगर हमारा जीरो होगा तो उसके लिए डीसी एलिमेंट होगा और रेंडम के लिए पल्स ट्रांसमिट होगी, मींस कि वन होगा तो उसके लिए रेंडमली पॉजिटिव और रेंडमली नेगेटिव पल्स ट्रांसमिट होगी, ठीक है, ये होगा. ठीक, तो ये किस में होता था, बाईपोलर एएमआई में. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ ऑन ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज बाईपोलर, पोलर, मैनचेस्टर और यूनिपोलर. तो सिंपल है, ऑन का मीन्स है इफ वन ट्रांसमिट होगा तो पल्स ट्रांसमिट होगी, जीरो ट्रांसमिट होगा तो डीसी बोल्ट, मीन्स कि नो पल्स ट्रांसमिट होगी. मीन्स क्या होगा, वन के लिए दिस, जीरो के लिए डीसी लेबल, फिर वन आया तो जीरो, मीन्स कि वन के लिए ऑन होगा और बी और जीरो के लिए क्या होगा, ऑफ होगा. तो दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है वन के लिए. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर सिग्नलिंग, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज लाइन कोडिंग फॉर्मेट विच बेस्ट ओवरऑल डिजायरेबल प्रॉपर्टीज. तो दिस इज बाईपोलर एएमआई आरजेड. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वन. ठीक, वन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनचेस्टर कोड द सिंबल रेट आर एस एंड द डेटा रेट आर बी आर रिलेटेड बाई. तो इसमें क्या होगा, सिंबल रेट टू आर एस होगा तो बिट रेट हमारी क्या होगी, आर बिट. मीन्स की बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर, दिस इज मेमोरी टाइप क्वेश्चन. मैक्सिमम इस यूनिट में जो भी हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. ठीक है, टू इनकोडिंग इन बाइनरी द डिफरेंशियल इनकोडिंग यूटिलाइज फॉर. ये हो जाएगा हमारा सिग्नल्स एम्पलीट्यूड के लिए, फेज के लिए नहीं होता, क्योंकि हमारे जो भी एम्पलीट्यूड होते हैं उसको ही हम फेज चेक करते हैं उनका. जैसे आपका एग्जाम्पल डिफरेंशियल इनकोडिंग यूज होती है इन डीपीएस के. ठीक है, तो उसमें हम प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट को एग्जॉर करके ट्रांसमिट करते हैं. ठीक, तो उसमें हम फेज नहीं चेक करते, एम्पलीट्यूड का ही बेसिकली होता है. तो डिफरेंशियल इनकोडिंग यूटिलाइज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड. Of coding multiplexer output into electrical pulses or waveform for transmission is called. क्या करना है इसमें, सपोज 10110 आया तो इसको ये क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल पल्स में, मीन्स कि वन के लिए एम्पलीट्यूड दे दिया, जीरो के लिए नेगेटिव दे दिया, वन है देन वन है देन जीरो है. ठीक, तो ये वाला पोर्शन किस में होता है, दिस इज लाइन कोडिंग, कि हम उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लाइन कोड द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल. नाउ रीजनरेटिव रिपीटर्स आर यूज फॉर. ये जनरली यूज होते हैं जब भी हम डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पर चैनल्स में रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज होते हैं. वो क्या करते हैं, वो नॉइस को एलिमिनेट करते हैं, सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस होता है. मीन्स की ऑल द एबव, मीन्स की डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा इज. स्क्रैम्बलिंग का मीन्स मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब स्ट्रिंग ऑफ वन और जीरो होती है, जब बहुत सारे वन और जीरो आते हैं, तो सपोज फर्स्ट जीरो आया, सेकेंड जीरो आया, थर्ड जीरो आया, तो रिसीवर एंड पे जो भी यूजर होगा ही कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एक्चुअली डेटा इज ट्रांसमिटेड और सेम बिट को ही वो बार बार रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम स्क्रैम्बलिंग यूज करते हैं. मीन्स दिस इज यूज फॉर रिमूविंग लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो. मीन्स की ए ऑप्शन इज करेक्ट. Now next question, in the polar RZ format for coding symbol 0 is represented by 0 voltage. Polar है तो 0 voltage तो नहीं होगा, means की A is wrong. ठीक, polar का means है 1 के लिए positive और 0 के लिए negative. ठीक, now negative voltage, this is correct. Now pulse is transmitted for half the duration. Yes, RZ, RZ का means क्या होता है, return to 0, means की अगर हमने 1 को transmit किया तो हम हाफ पल्स के हाफ टाइम के लिए 1 और हाफ टाइम के लिए इसको 0 पर रखते हैं. यहाँ पर t बाई 2 टाइम और यहाँ पर t टाइम. ठीक, दिस इज t बाई 2. तो सेम वे अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पोलर है तो मीन्स की पोलरिटी चेंज होगी. फॉर t बाई 2 टाइम ये क्या होता है, माइनस बी, और फॉर t बाई 2 टाइम मीन्स के टिल t ये क्या होता है, 0. मीन्स की b एंड c बोथ इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, तो हम क्या मार्क करेंगे, हम बी और सी को नाम मार्क करके हम करेंगे डी को मार्क, क्योंकि वो दोनों को इंक्लूड कर रहा है, बी एंड सी को. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. इन अ यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट द वेवफॉर्म हैज जीरो वैल्यू फॉर जीरो सिंबल. ऑब्वियस होगा बिकॉज दिस इज यूनिपोलर. तो यूनिपोलर है तो जीरो के लिए क्या ट्रांसमिट होता है, जीरो, और वन के लिए क्या ट्रांसमिट होता है, पी टी. डन. ठीक, नाउ द वेवफॉर्म हैज ए बोल्ट फॉर सिंबल वन. यस, दिस इज करेक्ट. A एंड B दोनों करेक्ट हैं. एंड द वेव फॉर्म हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर 1 एंड 0. दिस इज रॉन्ग. ठीक, तो A एंड B दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ A B आर करेक्ट. तो ऑप्शन जब हम टिक मार्क करेंगे कि विच वन इज करेक्ट, तो D विल बी करेक्ट बिकॉज ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now next question, polar coding is a technique in which one is transmitted by positive pulse and zero is transmitted by negative pulse. Yes, this is correct. So A is correct. Second option bhi dekh lete hain. A one is transmitted by positive pulse and zero is transmitted by zero. So ye to option jo hai, ye hai aapka unipolar ke liye. Means ki U N R Z bhi likh sakte ho. Means ki for this question, option A is correct. Now the polarities in NRZ format use complete pulse duration, half duration, both positive as well as negative value, and each pulse is used for twice the duration. तो ये तो wrong है, both positive as well as negative value, ये भी गलत है, because ये तो हमारा Manchester use करता है, ठीक है, और half duration ये हमारी RZ में होती है, तो which one is the correct A option, ठीक है, NRZ है means कि not return to zero, अगर one होगा तो पूरी टी टाइम के लिए ये वन रहेगा, जीरो होगा तो पूरी टी टाइम के लिए ये जीरो होगा. मींस ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. द मैक्सिमम सिंक्रोनाइजिंग कैपेबिलिटी इन कोडिंग टेक्निक इज प्रेजेंट इन मैनचेस्टर फॉर्मेट. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नाउ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैनचेस्टर फॉर्मेट ऑफ कोडिंग इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेविंग. व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मैनचेस्टर की एडवांटेज क्या हो गई, दिस इज पावर सेविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज. ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में क्या होता है, अगर हमारा वन है तो हम इसको ऑल्टरनेटिवली प्लस वी और माइनस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं बाई जीरो बोल्ड. मीन्स कि इसमें हमारे पास कितने कोड हैं, वन टू थ्री, थ्री कोड हैं, तो दिस इज सूडो टर्नरी कोड. ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Now next question, in DPSK technique, the technique used to encode bits is differential code. उसमें हम क्या करते हैं, logic circuit use करते हैं, ठीक, तो वो differentiate करता है. Now option B is correct for this. Now ISI means कि inter symbol interference may be removed by using, इसके लिए हम क्या use कर सकते हैं, differential encoding. Differential encoding का use करके we can remove inter symbol interference. Now next question, timing zeter is change in amplitude, no, change in frequency, no, timing है तो क्या है, deviation in location of the pulse. ठीक है, means कि C is the correct option for this. Now next question, probability density functions defines amplitude of the random noise, density of signal, probability of error, no, correct option is A for this question. Advantages of using AMI, alternate mark inversion, needs least power as due to opposite polarity. Yes, दोनों की polarity different है, इसलिए power less होगी. Second, prevents build up of DC. हाँ, ये भी correct है. ठीक है, ये भी हमारा correct है. And third है, may be used for longer distances. Yes, this is also correct. तीनों option correct है. Fourth option मेरा दिख नहीं रहा है, मैं next page पे देखती हूँ. अगर वो होगा तो D is the correct. Otherwise, आप मान के चलो all above is correct for this question. Now this is the option of previous question, all of the above. So means ki D is the correct for question number 34. Now the interference caused by the urgent pulse in digital transmission is called. Interference ka means hai ki suppose aapki ye pulse thi, ये पल्स थी, ये पल्स थी, ये तो मैंने स्पेक्ट्रम बना दिया. पल्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सी, ठीक है, मींस कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, सिंबल्स जब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये बिटवीन सिंबल्स हो रही है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, बिकॉज एवरी पल्स जो है वो किसी ना किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करती है. Pattern is used to study ISI. Yes, correct. May be seen on CRO. Yes, this is correct. Resembles the shape of human eye. This is correct. Means ki all the above is correct for question number 36. So the time interval over which the received signal may be sampled without error may be explained by. इसमें मैंने पहले ही बताया था आपको, आई पैटर्न का एक और क्वेश्चन था. दिस इज अवर आई पैटर्न. तो ये जो मैक्सिमम ओपनिंग होती है, दिस इज शो द देयर इज नो एरर. जहाँ पे क्लोजिंग होती है मीन्स कि वहाँ पर हमारा एरर है. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, एरर मे बी एक्सप्लेन बाई विथ ऑफ आई ओपनिंग ऑफ आई पैटर्न. क्लियर है, क्या हो जाएगा, आई ओपनिंग ऑफ आई पैटर्न. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये विथ को शो करता है, विथ ऑफ आई ओपनिंग. क्लियर. Now pulse shaping is done to control the inter symbol interference. ठीक है, correct है. To limiting the data bandwidth, ये भी correct है. After line coding and modulation of signal, ये भी correct है. Means कि option, all options is wrong. Option D is correct. Means all the above is correct.
Now, the criteria used for pulse shaping to avoid ISI is Nyquist criteria. Nyquist criteria kya kehta hai ki FS should be greater than equal to 2FM. Agar ye relationship hamara justified hota hai, means ki there is no interference. Theek hai? To option A is correct for next question. The filter used for pulse shaping is raised cosine bhi hota hai, sinc bhi hota hai, Gaussian bhi hota hai, means all of the above. Now, orthonormal set is a set of all vectors that are mutually orthonormal and are of unit length. Means ki option A is correct for this question. Next question, for two vectors to be orthonormal, the vectors are also said to be orthogonal. The reverse of the same is not true. Jo orthogonal hoga, wo orthonormal ho, yes. करेक्ट नहीं है. ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है. मींस की ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. सिंबल रेट पैकिंग, तो मैक्सिमम पॉसिबल सिंबल ट्रांसमिशन रेट इज कॉल्ड सिंबल रेट पैकिंग. मींस की ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉइकेस्ट पल्स इज द वन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई शेप्ड पल्स मल्टीप्लाइड बाई द अनदर टाइम फंक्शन दैट इज सिंक फंक्शन. सिंक फंक्शन होता है बिकॉज वहाँ पे जो हम पल्स अप्लाई करते हैं लाइक फॉर वन तो हम रेक्टेंगल होते हैं, और इसका जब हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हमें क्या मिलता है, सिंक फंक्शन मिलता है. मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन, अ पल्स शेपिंग फिल्टर शुड सेटिस्फाई टू रिक्वायरमेंट्स, दे आर शुड बी रियलाइजेबल एंड प्रॉपर रोल ऑफ फैक्टर. ठीक है, तो मीन्स की विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी. और इस क्वेश्चन में आप देख भी सकते हो इसमें लिखा है टू फैक्टर्स, तो यहाँ पे रियलाइजेबल एक ही फैक्टर हुआ और दूसरा दिस, तो दोनों को कंबाइन करके सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now, the rearrangement of data sequence is called rearrangement. हम कहाँ पे करते हैं, scrambling में. तो option B is correct for this. ठीक है, option B क्या होगा, correct होगा. Thanks for watching full video. Keep watching. One more thing, if you like this video or if there is any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you so much.